तस्वीरें देखकर चौंकना मत, यह अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, जिसके बाद एक महिला को मजबूर होकर अधिकारियों को आईना दिखाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। जरा पोस्टर पर नजर डालिए, लिखा है 21.89 लाख का बिजली बिल आने पर बिजली विभाग के अधिकारियों का कोटि कोटि धन्यवाद। तो माजरा आप समझ ही गए होंगे। दरअसल हरियाणा के पानीपत जिले में सब डिवीजन बिजली निगम कार्यालय में बिजली बिल ज्यादा आने पर अनोखे तरीके से खुशी मनाई गई। संत नगर की रहने वाली 65 साल की महिला सुमन का 60 गज के घर का बिजली बिल 21,89,000 रुपए आया है, जिसके बाद उन्होंने बिजली निगम में ढोल बजवाया और अधिकारियों के लिए मिठाई लेकर पहुंच गई। बुजुर्ग महिला सुमन का कहना है कि उसके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है और वो अब अपना घर बेचने जा रही हैं, जिसकी खुशी में उन्होंने निगम में ढोल बजवाए हैं। समस्या यही है, बिल ज्यादा आ रहा हमारा। कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। पहले कितना आता था? पहले हमारा शुरू में तो जब 40 रुपए बिल भरते थे, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। कहाँ से भरूंगी मैं? संत नगर कॉलोनी सिंगल होटल के पीछे संत नगर है। आपका ये अकेले का बिल है या पड़ोसियों का भी इतना ही? पड़ोसी कोई नहीं है, मेरा अकेले का है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं यूँ चाहती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। 100 रुपये की दिहाड़ी है, 100 रुपये कहीं दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपये के मजबूरी में वहीं नज़दीक में चल रही हूँ, मैं अपना गुजारा होएगा है। अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता, कहाँ से भरूँगी मैं? मेरा दुख सुख भी है, 100 रुपये में मैं क्या करूँगी है? किसके आगे जाके रोएंगे हम? वही जब इस बारे में बिजली विभाग अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने उल्टा महिला पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया और कहने लगे कि बिजली बिल को ठीक नहीं कर सकते, उन्हें अपना बिजली बिल ठीक करवाने के लिए किला स्थित डिवीजन में जाना पड़ेगा। 21 लाख का बिल आया किसी कस्टमर का, वो ढोल लेकर आया हुआ है, तो यो हमारी सब डिवीजन से रिलेट नहीं करता, वो किला सब डिवीजन का है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इस ऑफिस का बिल ही नहीं, जबकि ढोल इस ऑफिस के आगे बजाए जाने हैं, जानबूझ के भी छवि खराब करने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। उनके पास बिल है, बिल देख लीजिए, बिल किला सब डिवीजन का, किला कहाँ पे एड्रेस है, प्रबंध का ऑफिस है। तो सर ये बिल ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता? मुझे वो रिकॉर्ड देख के ही बता सकता हूँ, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। बता दें कि बिजली बिल में 99,000 रीडिंग आई थी, जबकि 2 किलोवाट मीटर में इतनी रीडिंग साल भर में भी नहीं आ सकती। महिला का कहना है कि उसके पास आखिरी उपाय केवल घर बेचना है, वो भी शायद इतने रुपए में नहीं बिकेगा कि वो बिजली का बिल भर सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।